राधे राधे दोस्तों, मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथ डॉक्टर आर बी गोस्वामी आपके अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, गतांक वीडियो में हमने आपको जो है मेडिसिन और डोजोलॉजी के बारे में बताया था, कैसे मेडिसिन का कंपोजिशन करना है उसके बारे में हमने बताया था, बेसिक फार्मूले हमने जो बनाया था बनाए थे उनके बारे में बताया है। जैसे हमारा जो है बीपी फार्मूला है, यानी कि ब्लड प्यूरीफायर S1L1A3। दोस्तों, अभी तक मैंने आपको जो है आपने जितने भी मेरे से ट्रीटमेंट पूछे हैं उसमें कंपोजिशन मैंने आपको S1L1A3 सबसे पहले वाला पहले मैंने यही बताया है। अभी तक मैंने इसको जो है आपको नामकरण इसका नहीं बताया मैंने क्या नाम इसको दे रखा है। तो दोस्तों, आज मैं बताता हूँ इसको, जब हम बीपी कहते हैं ब्लड प्यूरीफायर। दोस्तों, ये ब्लड का भी शोधन करता है, रस का भी शोधन करता है, और जो है ये टॉक्सिन को भी बाहर करता है। S1 जो है वो टॉक्सिन को बाहर करती है, यानी एक एक्सेलरेटरी का भी जो है ये काम करती है, सेल्स को जो है स्वस्थ बनाती है। तो दोस्तों, उसके अंदर जो हमने बताया था S1L1A3, ये हर पेशेंट को आपने देना है, क्योंकि सबका जो है रस और रक्त दूषित हो चुका होता है, तभी आदमी बीमार होता है। अगर स्वस्थ लिम्फ और ब्लड है तो आदमी बीमार नहीं होता, बॉडी बीमार नहीं होती है। जब ये अशुद्ध हो जाते हैं, कोई परजीवी जो है भोजन हवा और पानी के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर चला जाता है, तो दोस्तों उसमें हमारा रस और रक्त जो है वो दूषित होने लगता है, और उसे फिर हम जो है सेल उसे दूषित होने लगती हैं, उनका फंक्शन जो है डिसबैलेंस होने लगता है, फिर जो है ऑर्गन का फंक्शन जो है डिसबैलेंस होने लगता है। इस प्रकार से सिस्टम, फिर दूसरा सिस्टम, इस तरह से पूरा बॉडी ही डिसबैलेंस होने लगता है। तो वहाँ पर जो है अपने दोस्तों, ये ब्लड प्यूरीफायर का फार्मूला हर पेशेंट को देना ही देना है। दूसरा फार्मूला जो हमने आपको बताया था, बॉडी केयर A2C5WE F1P1 और S5। दोस्तों, आप जानते हैं कि कोई भी पेशेंट हो, वो मेंटली भी फिजिकली भी दोनों तरफ से जो है डिप्रेस होता है, भूख प्यास सब खत्म हो जाती है उसकी, मेंटली डिप्रेस होता है, बॉडी पेन होता है। तो ऐसे में दोस्तों जो है मेंटली डिप्रेस में भी ये काम करेगा, और जो है बॉडी पेन है, शरीर में दर्द है, उसमें भी ये बहुत अच्छा जो है हमारा बॉडी केयर है काम करेगा। तो आज हम बात करते हैं दोस्तों कि जो है डाइल्यूशन कैसे बनाना है। तो दोस्तों, सबसे पहले एक अच्छे चिकित्सक की जो पहचान है उसको तीन बातों का ध्यान रखना होगा। जब कोई पेशेंट हमारी क्लिनिक में आता है तो सबसे पहले तो वो मेंटल डिप्रेस है, बॉडी पेन भी है उसको, उसका ध्यान रखना होगा, फिर डाइजेस्ट सिस्टम का भी ध्यान रखना होगा, फिर किसके कारण जो है बॉडी में टॉक्सिन रुका है, कौन सा अंग है, किसके द्वारा उसको बाहर निकालना है टॉक्सिन को, ये भी ध्यान रखना होगा। तीन बातों का दोस्तों आप अगर ध्यान रखेंगे तो कोई ऐसा पेशेंट नहीं जो ठीक नहीं हो सकता हो, आप किसी भी पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। तो आज दोस्तों हम जो बात करेंगे वो D3 से जो है हमने डाइल्यूशन कैसे बनाना है। अभी आपने जितने भी मैंने आपको कंपोजिशन बताए हैं उन सब में आपने देखा होगा कि D4 से कहीं 20 बूंद हैं, कहीं जो है 10 ड्रॉप हैं, कहीं पर 5 ड्रॉप हैं, कहीं पर 15 ड्रॉप हैं। तो इस तरह से जो है हमने अलग अलग से उसमें बताया है, और क्यों बताया है दोस्तों आज उसी के बारे में हम जो है यहाँ पर बात करेंगे। पहले हमने जो है डाइल्यूशन कैसे बनाना है। दोस्तों, हमारे पास ले दे करके एक ही डाइल्यूशन है बस, D4, उससे आगे कोई डाइल्यूशन नहीं हमारे पास में। हम D3 से जो अच्छी क्वालिटी की हो, अच्छी किसी फार्मेसी की बनी हुई हो शुद्ध, तो उसमें से 2 ml हम लेंगे, 2 ml अपना सिवेजरी की सेंस लेंगे, और जो 100 ml की हमारी बोतल है उसके अंदर उसको डाल करके बाकी का जो उसमें डिस्टिल वाटर हम रखेंगे, उसको डाइल्यूट करेंगे अच्छी तरह से। इस तरह से हमने जो है 38 मेडिसिन अपनी D4 की बना लेनी है। ये हमारा D4 हो गया, नाम D4 है लेकिन ये D3 ही समझो इसको आप। अब इसमें क्या है कि आगे जो है कुछ जो मैंने फार्मूले आपको बेसिक बताए थे उनमें कैसे तैयार करोगे, जैसे ब्लड प्यूरीफायर है BP, उसमें आपने क्या करना है,
कि उसके अंदर जो है आपने S1, L1, A3 इसको आपने जो है प्रत्येक की D3 से 2 ml S1 का, 2 ml L1 का, 2 ml A3 का, ये आपने 100 ml में ही मिलाना है बोतल में, और बाकी का डिस्टिल वाटर आपने भर देना है, उसको डाइल्यूट करना है। ये आपका जो होगा BPA, ब्लड प्यूरीफायर। अब दूसरा जो हमने आपको कंपोजिशन बताया है A2C5WE, F1P1 और S5, इसकी भी हम दोस्तों 2 ml ही D3 से लेना है, और ये भी हमने जो है अपनी 100 ml की बोतल में मिला लेना है, और ये इस प्रकार उसको अच्छी तरह डाइल्यूट करके ये भी हमारा जो है बॉडी केयर हो गया। तो ये बेसिक 2 फार्मूले हैं, इनको आंख बंद करके दोस्तों आपको हर पेशेंट को देना है। सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है यहाँ पर कि इसको दें या ना दें, कोई भी पेशेंट आए, एनीथिंग, कोई भी पेशेंट हो आपका, सबको ये फार्मूले देने देने हैं दोस्तों। और दोस्तों इन फार्मूलों की गारंटी है, यदि रोग निर्मूल होगा तो जड़मूल होगा, जड़ से जाएगा, दबेगा नहीं, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रख लीजिएगा। जब भी ये दोनों फार्मूले दोगे दोस्तों, ये बीमारी को जड़मूल से नष्ट करेंगे, वो बीमारी जल्दी से दोबारा आने वाली नहीं। तो ये तो देना है दोस्तों। उसके पश्चात में जो है फिर हमने जो है, क्योंकि मैं हम दोस्तों कोई भी नई या पुरानी, नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं देखते हैं, हम तो केवल ऑर्गन का फंक्शन देखते हैं। ऑर्गन का फंक्शन क्या है? हाइपो है तो वहाँ पर थोड़ा सा बूंद हम ज़्यादा डालेंगे, तो हाइपर है तो वहाँ पर हम कम डालेंगे। इसी प्रकार जो स्ट्रक्चर की मेडिसिन है हमारी, उसमें भी ऐसा ही, अगर इन्फ्लामेशन है, इन्लार्जमेंट है, तो वहाँ पर हम जो है कम डालेंगे, और जहाँ पर सिरोसिस है या सिकुड़ गया है, कोई भी अंग छोटा पड़ गया है अपने साइज से, तो वहाँ पर जो हम पॉजिटिव यानी कि स्ट्रॉन्ग डाइल्यूशन उसकी जो है क्या नाम है उसकी ज़्यादा बूंद डालेंगे। यहाँ पर एक मेजरमेंट मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, D4 से जो है हम मिनिमम जो है 5 ड्रॉप और मैक्सिमम जो है हम 20 ड्रॉप जो है 20 ड्रॉप लेते हैं इसके अंदर प्रत्येक मेडिसिन का। ये नहीं है कि एक में आपने 5 मेडिसिन मिलाई और उसके 4-4 ml 4-4 बूंद लेकर के आपने 20 ड्रॉप पूरा कर दिया, नहीं। अगर 4 मेडिसिन आप मिला रहे हैं तो प्रत्येक का जो है बराबर का 20-20-20-20 सबका जो है 20-20 ड्रॉप आपने उसके अंदर पानी के अंदर डालना है। 30 में बना रहे हैं तो पहले उसको दवा को डाल लीजिए, उसके बाद उसमें पानी भर लीजिए, और अच्छी तरह से उसको हिला करके जो है वो आपकी दवा तैयार हो गई। यहाँ आपको डाइल्यूशन का कोई चक्कर नहीं है, कोई डाइल्यूशन आपने नहीं बनाना है। अब किसी का फंक्शन है तो जैसे मैंने आपको बताया उसके अनुसार ही जो है, अगर किसी का वर्क कम हो गया है, किसी का फंक्शन कम हो गया है, अपने सामान्य स्थिति से कम कार्य कर रहा है, तो दोस्तों वहाँ थोड़ा सा आपको जो है ड्रॉप बढ़ाने पड़ेंगे वहाँ पर, और अगर किसी का ज़्यादा है तो वहाँ आपको उसको समन अवस्था में लेकर के आना पड़ेगा, यानी कि होमोस्टेट कंडीशन में उसको लेकर के आना पड़ेगा, वहाँ पर हम उसको कम देंगे। तो दोस्तों हमारी इलेक्ट्रोपैथी का यही ज़्यादा फंडा है, इसका मेन प्रिंसिपल कम काम कर रहा है वहाँ पर जो है हमने पॉजिटिव डाइल्यूशन देना है, और जहाँ पर ज़्यादा काम कर रहा है वहाँ पर हमने जो है कम जो है बूंदे उसमें डालनी है। तो इस प्रकार से हमने प्रत्येक जो है कोई भी रोगी हो उसको हमें इसी तरह से जो है ट्रीटमेंट करना है। और दोस्तों आप एक बार देख करके देखिए, आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे इसके अंदर। मैंने जो अपनी किट बनाई हुई है मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरी जो है 38 मेडिसिन की किट है, 100 ml में मैंने इसको बनाया है, और ये मेरी क्लिनिक में रखी रहती है। इसी से दोस्तों मैं चाहे 1 साल का, चाहे 1 दिन का मरीज हो या फिर 10 साल का पुराना मरीज हो, सबको इसी से ही जो है मैं ट्रीटमेंट करता हूँ। मैं केवल ऑर्गन की कार्यगति को देखता हूँ, कार्यविधि को देखता हूँ, और उसके स्ट्रक्चर के जो है ढांचे को देखता हूँ, और तब उसका ट्रीटमेंट करता हूँ दोस्तों, और मुझे बहुत अच्छी सफलता मिलती है। तो इस प्रकार से जो है हमने D3 से जो आपको ये बताया है, आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से जो है आपने
ये मेडिसिन तैयार करनी है। आज मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं बताता हूं, उसके अंदर क्या है कि दोस्तों रिनल स्टोन ले लेते हैं, हम छोटा सा एक उदाहरण के लिए ले रहे हैं, जो मैंने आपको ये कंपोजिशन बताए हैं कैसे जो D4 से कैसे बनाना है आज हम वो बताएंगे दोस्तों। तो रिनल स्टोन दोस्तों क्या है, इसके अंदर सबसे पहले कोई भी हम अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट करते हैं देखते हैं उसमें हाइड्रोनेफ्रोसिस, किडनी स्टोन, इनलार्जमेंट, पेन, इस प्रकार के जो है उसके अंदर हम देखते हैं दोस्तों। इसमें जो है हाइड्रोनेफ्रोसिस या नेफ्राइटिस क्यों हुआ आप जानते हैं इसके अंदर, क्योंकि दोस्तों किडनी का जो फंक्शन था वो पूरा नहीं था, कम काम कर रही थी, जिसके कारण जो है ब्लड के अंदर से जो यूरिन छनता है, यूरिन बनता है, वेस्टेज के रूप में बाहर निकलता है प्योरीफायर होकर के ब्लड से, तो उसके अंदर दोस्तों कुछ ऐसे अपशिष्ट होते हैं जो किडनी में रुक जाते हैं, वो किडनी के जो फिल्ट्रेशन की कमी की वजह से वो किडनी अपना पूरा काम नहीं कर रही होती वहाँ पर, तो वहाँ पर जो है छोटे छोटे जो क्रिस्टल हैं वो धीरे धीरे वहाँ पर जो है इकट्ठे होते रहते हैं और असेंबल होते रहते हैं, उसके पश्चात में एक जो है पत्थर के जैसा जो है पथरी का रूप बना लेते हैं और फिर वो पथरी वहाँ पर पड़ी रहती है और उसके कारण फिर क्या होता दोस्तों, गुर्दे के अंदर सूजन बनने लगती है, नेफ्राइटिस होने लगता है, हाइड्रोनेफ्रोसिस होने लगता है, इस तरह की जो है बीमारियाँ उसके अंदर होने लगती है। तो अब हमने दोस्तों क्या देखना है यहाँ पर, नंबर एक किडनी जो है उसका फंक्शन जो है हमने उसको बढ़ाना है, जो फॉरेन बॉडी किडनी के अंदर बन चुकी है, चली गई है, रुकी है, उसको बाहर निकालना है, तो ऐसे में हमने किडनी का जो है कार्य बढ़ाना पड़ेगा। अब इसमें हम ट्रीटमेंट क्या दें, इसके अंदर दोस्तों सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था S1L1A3 ये तो हमने देना दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर शोधन है और ब्लड को जो है शोधन करना है, हमने वहाँ पर रस रक्त का शोधन करना है, समस्त जो है ब्लड वहाँ पर हमने भेजना है ताकि जो इन्फ्लेमेशन है वहाँ पर जो है उसका ब्लड प्यूरीफायर हो सके, साफ हो सके। दूसरा जो है दोस्तों अब इन्फ्लामेशन है तो वहाँ पर पेन भी होगा और सूजन भी होगी दोस्तों, तो दूसरा फार्मूला जो हमने बॉडी केयर आपको बताया था वहाँ पर ये भी देना दोस्तों, जिससे उसको किडनी में पेन ना हो, क्योंकि इसमें जो है F1 है, WE है, C5 है, A2 है, सब पेन किलर मेडिसिन है इसके अंदर, तो वहाँ पर ये भी हमें देना होगा। अब एक फार्मूला जो हमारा है वो ब्लड प्यूरीफायर प्लस में जो है बॉडी केयर, अब इसमें से क्या करेंगे दोस्तों, हम इन दोनों में से 30-30 बूंद 30 ml में मिला देंगे D4 से, जो D4 की बनाई हमने, और बाकी का जो है इसके अंदर हम पानी भर देंगे। तो ये मेडिसिन जो है दोस्तों हमने पेशेंट को 10 से 15 बूंद उसकी बॉडी के अनुसार 10 से 15 बूंद, यदि थोड़ा सा हल्का पेशेंट है, लाइट वेट है, तो वहाँ पर उसको 10 दे देंगे, थोड़ा सा हैवी होगा तो दोस्तों वहाँ 15 दी जा सकती है, तो इस प्रकार 15 बूंद जो है उसको 3 से 4 बार हम दे सकते हैं उसकी रिक्वायरमेंट के अनुसार। अब दूसरा है दोस्तों हमने अब फंक्शन देखना है, किडनी का फंक्शन कम है तो फंक्शनल मेडिसिन मैंने आपको बताई थी पिछले वीडियो में, यहाँ पर जो है दोस्तों हम S2 देंगे, S6 भी देंगे यहाँ पर, और C17 भी देंगे दोस्तों। C17 जो है यूरिन का जो है वो फ्लो बढ़ाती है, फ्रीक्वेंसी जो है उसकी बढ़ा देती है, और इस प्रकार से जो है उसमें हम जो है आरी का दोस्तों यहाँ पर आप गलत अर्थ ना लीजिएगा, आरी का काम क्या है, किसी भी ऑर्गन के कार्य को यानी कि उसके कार्य को बढ़ा देना, आरी का ये काम है। आरी का ये केवल इतना ही नहीं है कि ये जो ब्लड प्रेशर को ही ज़्यादा बढ़ाने वाली है, नहीं, अगर किडनी का काम कम हो रहा है तो वहाँ पर हम आरी को देंगे तो जो इसके साथ में S2, S6, C17 मेडिसिन दी है दोस्तों उसके कार्य को, उसकी शक्ति को और भी कई गुना ये मेडिसिन बढ़ा देती है, और दूसरे पेन किलर भी है ये।
और इस प्रकार अगर लीवर का काम कम हो रहा हो तो वहाँ पर भी एम आर आई दे सकते हैं। तो दोस्तों कहीं पर गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम है, पेट दर्द है कोई, वहाँ पर भी एम आर आई का प्रयोग कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ब्लड प्रेशर के अंदर ही किसी को देने से ब्लड प्रेशर ही होगा। जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि यदि शुद्ध मेथड से मेडिसिन बनाई गई हैं, किसी और औषधि का उसमें जो है भारी औषधि का उसमें मिलान नहीं किया गया, मिलावट नहीं की गई है, तो ये एक स्वस्थ आदमी के ऊपर जो है हमारी इलेक्ट्रोमोपैथी मेडिसिन कोई प्रभाव नहीं डालती, जैसे दूसरी पैथियाँ डालती हैं कि औषधियाँ डालती हैं, ऐसी हमारी इलेक्ट्रोमोपैथी की कोई भी जो है औषधि साइड इफेक्ट नहीं दिखाती है। हाँ, ये बात अलग है कि अगर ब्लड प्रेशर का पेशेंट है तो उसको सोच करके दी जा सकती है, उसको जो है हम अवॉइड भी कर सकते हैं, इसको निगलेक्ट भी कर सकते हैं इसको, तो ये फंक्शनल की मेडिसिन होगी। और दूसरी दोस्तों जो है स्ट्रक्चरल मेडिसिन, अब क्योंकि किडनी में इन्फ्लामेशन है, हाइड्रोनेफ्राइटिस है, हाइड्रोनेफ्रोसिस है, तो इस तरह की उसमें जो दोस्तों वहाँ पर हमने जो है उसके स्ट्रक्चरल की मेडिसिन देगी। अब स्ट्रक्चरल की कौन सी है, यहाँ पर हम C6 लेंगे दोस्तों, C2 लेंगे, और इसके पश्चात जो एक मिनेरियोवन है दोस्तों, ये भी जो है हमारी स्ट्रक्चरल की मेडिसिन है, मैंने जैसे पिछले वीडियो में आपको बताया था, और ग्रिल इलेक्ट्रिसिटी। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है हमारी स्ट्रक्चरल मेडिसिन हमने यहाँ पर दे दी है, C6, C2, मिनेरियोवन और GE। यहाँ पर दोस्तों हमने क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लामेशन है, सोजन है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमारी जो D4 मेडिसिन बनी है उससे हमने 5-5 बूंद लेना है, 5-5 बूंद लेना है इसका, और 30 ml में इसको मिलाना है। दोस्तों अगर ज़्यादा इन्फ्लामेशन है, पेन ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो है क्या है कि हमने जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल जो मेडिसिन है इनको दोनों को हम 1 घंटे से लेकर के 4-4 घंटे तक जो है 4 घंटे के इंटरवल पर हम रिपीट कर सकते हैं। किसी को 1 घंटे पर भी देनी पड़ सकती है, किसी को 2 पे, किसी पे 3 पे, किसी पे 4 को भी देनी पड़ सकती है, और बाकी के उसके पश्चात में जैसे जैसे रिलीफ पेशेंट को मिलता है तो उसके अनुसार जो है आप दिन में 3 बार या 4 बार भी इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने जो है आप सबके साथ में डाइल्यूशन कैसे तैयार करना है, उसकी डोज कैसे बनानी है, कैसे कंपोजिशन जो है हमारे बेसिक जो फार्मूले हमने आपको बताए हैं कैसे वो बनाने हैं, आप वीडियो को देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, और फिर उनको बना करके अपने क्लिनिक पर जो है एक किट तैयार रखिए, ताकि कोई भी पेशेंट आए आपको जो है डाइल्यूशनों के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पर आप सीधा 5 से 20 बूंद जैसे भी पेशेंट की रिक्वायर्ड है, रोगी की रिक्वायरमेंट है, जैसे भी शरीर को उसको देख करके उसके हिसाब से 5 से 20 बूंद हम जो है उसके अंदर डाल करके पेशेंट को दे दें, और जो है 10 से 15 बूंद जो है पेशेंट को हम दे सकते हैं इसके अंदर। छोटा बच्चा है उसके अलग है, 1-2 ड्रॉप दे सकते हैं उसके अंदर, जैसे जैसे एज है या वेट है उनके अनुसार हम मेडिसिन की जो है डोज निर्धारित करते हैं। और दोस्तों इस प्रकार से हम यदि रोगी का चिकित्सा, रोगी का ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें 100% दोस्तों इसमें सफलता मिलती है। और मेरा जो मकसद था ये ग्रुप बनाने का, वो यही था कि मैं आपको जो है इन डायलिसिस के चक्कर से, इस नेगेटिव पॉजिटिव के चक्कर से, इन क्रोनिक अक्यूट के चक्कर से मैं आपको निकाल लाऊं। और मेरा कोशिश ये रहेगा कि मैं आगे भी अब जो है हमारी बातें चलेंगी वो बीमारी के, डिजीज के ऊपर ही होंगी। मैं आपको हर वीडियो में एक एक बीमारी के ऊपर जो है पूर्ण रूप से बताऊंगा और उसका ट्रीटमेंट बताऊंगा और उसको कौन सी मेडिसिन यहाँ पर क्यों दी हमने, इसके बारे में मैं जो है उस पर बात करेंगे। बस आप वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनते रहिए और चिंतन करिए, और फिर जो है अपने पेशेंट को भी ये जो है ट्रीटमेंट दीजिए, आपको 100% सफलता मिलेगी, आपकी प्रैक्टिस दिन दोगुनी रात चौगुनी चमकेगी, आपके पास जो है आपका नाम होगा, आपका फेम होगा, आपका नेम होगा। और इस प्रकार दोस्तों जब आपका नाम और फेम होगा तो उस समय जो है हम, ये मेरा पारितोषिक होगा
मैं समझूंगा कि मैंने जो एक प्रयास किया था वो प्रयास मेरा सफल हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार कुछ साथी हमें बीच बीच में जो है फ़ोन कॉल करके जो है परेशान में डाल देते हैं और बार बार मुझे ये वीडियो डिलीट करके दोबारा से फिर बनानी पड़ती है। फिर जैसे मेरी वीडियो पूरी होने को होती है उसी टाइम फिर फ़ोन कर देते हैं। ये बड़ा गलत बात है दोस्तों। बार बार मुझे आज यहाँ पर आधा घंटा बैठे हुए हो गया है लेकिन मेरी वीडियो अभी तक पूरी नहीं हो पा रही है। अभी भी इसके अंदर दो बार जो है इंटरप्शन आ चुका है। तो मेरे सभी साथियों से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जो है इस समय जो है 1 से 5 बजे के बीच में मेरे से बिल्कुल भी फ़ोन ना करें आप। यदि आपको फ़ोन करना है तो आप 8 या 9 के बीच में कर सकते हैं। आप ये नहीं कि किसी भी टाइम उठा करके आप फ़ोन मिला दें कि मैं यहाँ पर खाली बैठा हुआ हूँ केवल आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। मैं आपसे बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपको जो जो भी बात करनी है, जो भी आपने पूछना है, या तो अच्छा रहेगा कि आप व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ ले तो और भी अच्छा रहेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं किसी के जो है व्हाट्सएप पर जो चैटिंग का मैं जवाब नहीं देता, मैं हर अपने साथी की चैटिंग का जवाब देता हूँ। तो दोस्तों फ़ोन करना भी तो जो है मैं नहीं उचित समझता हूँ इसमें। तो दोस्तों इस प्रकार से जो आज हमने जो है किस तरह से फार्मूले सेट करने हैं, कैसे आपने किट तैयार करनी है, कैसे डायलिसिस पेशेंट को देना है, ये मैंने आपको बताने का इसमें प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ आपको जो है समझ आया होगा और बार बार इसको वीडियो को आप देखिए और समझिए। यदि कोई इस विषय में कोई आपको संदेह हो या डाउट हो या कोई किसी प्रकार की आपने जो है कन्फ्यूजन हो, आप समझ नहीं पाए हो, तो आप चैट के माध्यम से पूछिएगा। आप कृपया फ़ोन मत कीजिएगा क्योंकि फ़ोन मेरे पास दोस्तों ये समझो कि आप 5,000 मेरे साथ डॉक्टर जुड़े हुए हैं। यदि मैं सबका फ़ोन उठाने लग जाऊँगा तो फिर मेरे पास तो अपना तो कुछ रहेगा नहीं। तो थोड़ा सा आप मेरी भी जो है ज़िंदगी का, मेरे भी जीवन का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए थोड़ा सा आप कृपा कीजिएगा। और इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेना चाहूँगा। जो हमारे नए साथी हैं, जो इस ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, उनका इस ग्रुप में स्वागत हम करते हैं। और हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है जो स्क्रीन के ऊपर चला हुआ है, आप उस व्हाट्सएप के माध्यम से अपना नाम और एड्रेस सेंड करके जो है हमें रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। हम आपको अपने ग्रुप में बिल्कुल फ्री, बिल्कुल निःशुल्क, किसी प्रकार का आपसे कोई कुछ लेना देना नहीं है, आपको कुछ सीखना है। और दोस्तों दूसरी बात यह है कि कुछ हमारे साथी जो हैं, मैंने एक बार दो हमारे साथियों को मैं जो रिमूव कर चुका हूँ यहाँ से। दोस्तों इसमें आप कुछ सीखने के लिए आए हैं, अपना ज्ञान बांटने के लिए नहीं। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ यदि आप में ज्ञान की अधिकता है तो दोस्तों आपको इस ग्रुप में बने रहने का कोई औचित्य नहीं बनता है दोस्तों। क्योंकि आप तो फिर बड़े विद्वान आदमी हैं और विद्वान आदमी की यहाँ पर कोई जगह नहीं है दोस्तों। यहाँ तो जो दिमाग से खाली हैं, जिनके पास सीखने के लिए कुछ है जगह, वही इस ग्रुप में रहें। बाकी मैं सबसे यही कहूँगा कि जो जिनके पास ज्ञान है, जिनकी अच्छी प्रैक्टिस चल रही है, जिनके फार्मूले अपने अच्छे काम कर रहे हैं, मैं कहूँगा कि वो अपने फार्मूलों में काम करते रहें, उनको रिजल्ट मिल रहा है, उनको परिणाम मिल रहा है, उसमें करते रहें। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। जो मेरा मिशन है, मेरा मकसद है जो दोस्तों, वो तो यही है कि मैं आपको इस डायलिसिस के चक्कर से निकाल दूं, नेगेटिव पॉजिटिव के चक्कर से निकाल दूं। मैं तो आपको भंवर से निकालना चाहता हूं बस। और मैं ये मेरी तमन्ना थी, दिली तमन्ना थी कि मैं कम से कम अपने जो है पूरे देश में जो है 500 डॉक्टरों को इस तरह से मैं तैयार करूं। और दोस्तों आपकी प्रैक्टिस चमकेगी तो मेरा नाम होगा, मेरा यही पारितोषिक होगा, यही इनाम होगा। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, इसी के साथ दोस्तों राधे राधे। यदि कोई किसी प्रकार का जो है कंपोजिशन में कोई गलत जो है मेडिसिन का नाम लिया गया हो तो उसका दोस्तों मुख से कहते निकली हुई बात और जो धनुष से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं लौटता है, तो हो सकता है कोई गलती से जो है निकल गया हो, तो उसको आप अपने विवेक के अनुसार उसको ठीक कर लीजिएगा। और यदि आपको उसमें कोई डाउट कोई शंका है तो आप मुझसे भी चैट करके पूछ सकते हैं। इसके साथ दोस्तों राधे राधे।